व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, आइए जानते हैं इस लेक्चर में। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो ये कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बने, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बने, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। खैर सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, क्योंकि कई लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि सर आप क्या करते हैं, क्या है। तो माई सेल्फ मनीष तनेजा, आई एम हेडिंग रिसर्च डिवीज़न ऑफ IFMC एंड आई एम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट बाय NSE, और मैं पिछले 5-6 साल से मैं IFMC के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ, और जो हमारा रिसर्च विंग है उसको मैं हेड करता हूँ। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते हैं कि सर हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि अगर हमको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो क्या हमारे को BCOM होना चाहिए, हमारे को MBA होना चाहिए, या हमको कोई पर्टिकुलर कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो हम करें हुआ हो तो ही हम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, CA कर लेते हैं या CS करते हैं, हमने तो बहुत कुछ कर लिया लेकिन स्टॉक मार्केट में नुकसान होता है। तो मैं आप सबको कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको केवल और केवल एक चीज़ चाहिए, वो है आपका कॉमन सेंस, आपके पास थोड़ी सी एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, और आप इन दोनों को क्लब करके आप बहुत सारी चीज़ें खुद भी डेवलप कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट एक बहुत ही गहरी चीज़ है, आप इसको जान सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है। हाँ, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, एक एवरेज स्टूडेंट भी इसको बहुत इजीली कर सकता है। मैं थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ, शायद आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ और ग्रेजुएशन भी मैंने बड़े धक्के खा खा के करी है, और ठीक है जब मैं 19 ईयर्स का था तो मैंने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर थे उनके यहाँ मैंने जॉब करी। अब जॉब तो मैं करता था लेकिन ग्रेजुएशन में पढ़ने का तो टाइम मिलता नहीं था, मेरठ यूनिवर्सिटी थी हमारी, अल्टीमेटली एग्ज़ाम्स आए, एग्ज़ाम्स तो क्लियर करने ही थे, सारे साल पढ़ोगे नहीं तो एग्ज़ाम कहाँ से क्लियर होंगे। तो खैर अल्टीमेटली हमारे मेरठ यूनिवर्सिटीज़ में की पेपर्स आते थे जिसको हम लोग कुंजी बोलते थे, 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आते थे, और वो 10 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने उठाए और उसमें से जो है वो अपना शुरू कर दिया कि कौन सा 90 में आया था, कौन सा 92 में, कौन सा क्वेश्चन आया था। तो कर कुरा के खूब सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाई, खूब एनालिसिस किया, और अपने लिए 6-7 क्वेश्चन मैंने निकाल लिए कि चल ठीक है ये 6-7 क्वेश्चन कर जाता हूँ, 10 में से 6 क्वेश्चन करेंगे, 2 गलत हो जाएंगे, 4 भी हो गए तो पास तो हो जाएंगे। खैर उम्मीद नहीं थी लेकिन मैं पास हो गया, और ऐसे ही मैंने अपने ग्रेजुएशन के 3 साल निकाले। और लेकिन हाँ, एक टर्निंग पॉइंट आया यहाँ से, शायद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार ये एनालिसिस अगर मैं यहाँ कर सकता हूँ तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के चार्ट्स को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, पढ़ना तो आता नहीं था, देखना शुरू किया, उनके पैटर्न्स मैं देखता रहता था रोज़ कुछ ना कुछ। तो ठीक है थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा भी, लेकिन जो कुछ सीखा वो अपने नुकसान करके ही सीखा है, कि अगर प्रॉफिट भी किया किसी सौदे में तो ये खुशी नहीं होती थी कि प्रॉफिट हो गया, ये ज़रूर उसमें लगा ध्यान देने का मन करता था कि यार ये प्रॉफिट हुआ कैसे। सेम वे अगर नुकसान भी होता था तो ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, छोटा मोटा ट्रेड कर लेते थे तो नुकसान होता था तो भी दुख नहीं होता था नुकसान का, लेकिन ये ज़रूर एनालाइज करता था कि नुकसान हुआ क्यों। खैर ये एनालिसिस कर करके मुझे लगा कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में इसको काम को करना चाहिए, वो एनालिसिस को मैंने आगे बढ़ाया, मैंने NSE की सारी किताबें पढ़े, सारे मॉड्यूल्स मैंने पढ़ने शुरू करे, मज़ा आया। उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट
वो भी मैंने एनएससी में एग्ज़ाम वगैरह दिया, तो खैर एक इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में केवल एनालिसिस और एक कॉमन सेंस एक अपने आप में सफिशिएंट है कोई प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताऊंगा कि एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर में क्या फर्क है। इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं कि एक प्रोफेशनल, अगर मैं प्रोफेशनल वर्ड यूज करता हूं तो आप मान के चलो मैं इसको सक्सेसफुल ही लिख रहा हूं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर या सक्सेसफुल ट्रेडर, इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत मेजर फर्क है। ये स्कॉलर है, ये वो स्कॉलर हैं जो आपकी क्लास में टॉप 5 बच्चे होते थे ना, जो स्कॉलर्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हमारा तो नंबर ही 30वां आता था। ये वो स्कॉलर्स हैं जिसमें जेन्युइनली पढ़ाई की जरूरत है और ये बहुत गहरी पढ़ाई है। ये इन्वेस्टर को करने के लिए इसमें पूरी की पूरी फंडामेंटल स्टडीज आती हैं, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैक्रो हो, ग्लोबल ठीक है। तो बेसिकली एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को फंडामेंटल्स आने चाहिए और फंडामेंटल्स वाकई में एक टफ स्टडी है, जिसको मैं बोलता हूँ मेरी लैंग्वेज में, मेरी बड़ी सीधी सी सोच है कि ये आदमी मेरे से बहुत ऊपर है, शायद मैं यहाँ तक पहुँचते हुए मुझे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो ये मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, मेरे लिए जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं या जो वाकई में एक अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो मेरे नज़र में बहुत ऊँचे हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर की अगर बात करें, ये वो लोग हैं जो नंबर 1 तो नहीं आते क्लास में, फर्स्ट तो नहीं आते, सेकंड थर्ड भी नहीं आते, लेकिन हाँ ये फेल नहीं होते। ये अगर 100 रुपए लगा के 500 रुपए कमाने की ताकत रखता है तो ये आदमी 100 रुपए लगा के 120 रुपए कमाने की ताकत जरूर रखता है। ये शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता है, ये लॉन्ग टर्म में ट्रेड करता है। इसको शॉर्ट टर्म से कोई मतलब ही नहीं, और ये क्या कर रहा है? ये शॉर्ट टर्म कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी जगह पे गए, किसी अननोन जगह पे गए, वहां पर 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं, आपके साथ एक फंडामेंटल एनालिस्ट है और एक टेक्निकल एनालिस्ट है। आपने दोनों को बोला कि अब आप बताओ ये सामने 5 दुकानें हैं, हमें कहाँ खाना खाना चाहिए, कौन सी अच्छी दुकान है? अननोन जगह है, हम किसी से पूछ नहीं सकते। तो फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करेगा? फंडामेंटल एनालिस्ट उसकी रिसर्च करेगा, दुकान का शेफ कौन है, दुकान में हाइजीन कैसा है, दुकान के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो कैसा है, उसकी किचन कैसी है, फला 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 फला, जो बहुत बड़ा रिसर्च है। मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? खाना तो खाना है, भूख लगी है और अच्छी जगह खाना है, टाइम है नहीं इतना रिसर्च का, और आती नहीं, जब आती नहीं तो करोगे कहाँ से? तो क्या करेगा? मेरे जैसा आदमी तो कहेगा कि देख यार कहाँ भीड़ लगी है, क्या वो सरदार जी के ढाबे पे लगी भीड़, वहीं खा लेते। ऑब्वियसली मैंने क्या देखा? डिमांड एंड सप्लाई देखा।
जहाँ भीड़ है वहाँ ऑब्वियसली लोग को टेस्ट मिल रहा है, बेटर है, खाना खाओ। तो ये दोनों में फर्क है, इसकी लॉन्ग टर्म अप्रोच है, इसकी शॉर्ट टर्म अप्रोच है। लेकिन गलत अभी कोई भी नहीं है। ये क्या करता है, ये 100 रुपए का शेयर लेता है और 500 रुपए में बेच के निकलता है। और ये क्या करता है, जब ये 100 से बढ़ के 200 हो गया, 300 हो गया, तब ये लेता है। और जब ये 500 से गिरना शुरू हुआ, गिर के 400 हुआ, तो इसने बेच दिया। तो ये कमा रहा है 100 रुपए, ये कमा रहा है 400 रुपए। मैंने पहले बोला है मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है? तो पहले तो आप लोग ये समझ लो कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर बहुत बड़ी चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। और आज हम जिस स्ट्रेटेजीज की बात करने जा रहे हैं वो केवल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होंगी। तो बेसिकली इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई है और इसके अंदर फंडामेंटल्स है। ट्रेडर को क्या करना है, ट्रेडर को केवल और केवल मार्केट के बिहेवियर को देखना है। और ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेडर का केवल एक ही दोस्त है और वो है ट्रेंड। जिस ट्रेडर ने ट्रेंड पकड़ लिया वो बेस्ट ट्रेडर है। आप ये मत सोचो कि आप लोएस्ट में लोगे और हाईएस्ट में बेचोगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ट्रेडर क्या करेगा, जब शेयर यहां से बढ़ना शुरू होगा और यहां गिरेगा तो वो यहां नहीं लेगा और यहां नहीं बेचेगा। यहां कौन लेगा, यहां तो वही लेगा भाई साहब, स्कॉलर, फंडामेंटल स्टडीज जिसने करी है। और यहां कौन बेचेगा, वही स्कॉलर। ट्रेडर कहां लेगा, ट्रेडर तो ये लेगा यहां से बढ़ के यहां आया, इसने कहा मोमेंटम आया, घुसो, बैठा हुआ है, यहां से मोमेंटम गिरने का मिला, बेचो। तो इसने कमाया इतना और इसने कमाया इतना, समझ में आ गया? तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडर की मेंटालिटी और एक इन्वेस्टर की मेंटालिटी को पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, नहीं तो आप लोग कहोगे सर क्या थ्योरी पढ़ा दी। तो थ्योरी नहीं है, लेकिन ये कुछ जरूरी चीजें हैं, अगर हम इसको माइंड में रखेंगे तो शायद हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग इज ए आर्ट, ट्रेडिंग एक टेक्निक है। ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है किसी फंडामेंटल्स का। जैसे एक शेर शिकार करता है ना, वैसे ही एक ट्रेडर काम करता है। ट्रेडर शेर क्या करता है, सबसे पहले अब दूर से झुंड में अपने शिकार को देखता है, और अगर 1,000 शिकार है तो 1,000 में एक को चूज करता है और उसको उसको फोकस करता है। उसको फोकस करने के बाद बहुत पेशेंटली उसके पास धीरे 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 बढ़ता है, और जब वो शिकार उसकी रेंज में आ जाता है तब वो उसके ऊपर अटैक करता है। और जब उसके ऊपर अटैक होता है वो इमोशनलेस होता है, उसको नहीं पता कि वो हिरन का बच्चा है या कोई बूढ़ा हिरन है, उसके बाद इमोशंस नहीं होते। और हाँ, वो इसके लिए भी तैयार रहता है कि लास्ट में अगर वो अटैक नहीं कर पाया या कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो उसके पास एक एस्केप रूट तैयार होगा, ठीक है? ट्रेडर भी ऐसे ही करेगा। ट्रेडर क्या करेगा, फोकस करेगा, एक स्टॉक को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद पेशेंटली वेट करेगा। अगर 100 रुपए का स्टॉप लॉस उसका उसके पास है और रेट चल रहा है 110, तो उसको वेट करेगा कि वो 100 रुपए के क्लोज आए, ताकि अगर कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसको ज्यादा नुकसान ना हो। बहुत पेशेंटली उसको वेट करेगा, लेकिन जैसे ही वो उसके रेंज में आएगा वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडर उसको लेगा। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की बात कर रहा हूं,
और वहां उसमें फुल कॉन्फिडेंस रहेगा, वो डरेगा नहीं, ठीक है। और लास्ट में उसके पास होगा एक एस्केप रूट जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो जैसे शेर शिकार करता है वैसे ही एक ट्रेडर भी शिकार करता है। बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करोगे, गैम्बलिंग करोगे, कुछ नहीं होने वाला। बिना नॉलेज के ट्रेड नहीं करना। शकुनी मामा महाभारत में गैम्बलिंग नहीं कर रहे थे, पांडव गैम्बलिंग कर रहे थे। पांडवों को आता ही कुछ नहीं था, लेकिन शकुनी जी को जबरदस्त प्रैक्टिस थी। उनके लिए वो गैम्बलिंग नहीं थी, उनके लिए वो आर्ट था, उनके लिए वो एक टेक्निक थी, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, वो लोग कहते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की समझ में नहीं है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एनालिसिस। एक बार सिक्का उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50। ऐसे ही आपको कितने चांसेस हैं प्रॉफिट होने के, ये आपके ऊपर है। ये देखना कि मुझे कितने टाइम में प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा। ट्रेडर को केवल एक काम करना, एक काम, उसको केवल ट्रेंड में रहना। अगर वो ट्रेंड में है तो मार्केट उसको अपने आप पैसे देके जाएगी। आप लिख के रख लो मेरी बात, आप किसी भी टाइम ट्रेंड में बैठे रहो, और ट्रेंड तो चेंज होएगा। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप भी को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो, आप एक ट्रेडर हो और आपको ट्रेंड चेंज होना, ट्रेंड अगर चेंज हो रहा तो आपको भी चेंज होना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी एनालिसिस को, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप प्रिसाइज होते जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग एस्ट्रोलॉजर होते हैं, आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास अलग अलग हाथ लेके, अपना हाथ लेके जाओगे तो वो डिफरेंट आपको व्यू दे देगा। एक 500 रुपए वाला भी एस्ट्रोलॉजर है, एक 15,000 वाला भी है। लेकिन वो 15,000 वाला क्यों है, शायद उसमें प्रिसाइसनेस ज्यादा है, इसलिए वो उसकी डिमांड कर रहा है। सेम वे एनालिस्ट, एक एनालिस्ट 5,000 रुपए में उसकी कोई टिप नहीं लेता, एक एनालिस्ट को 5-5 लाख रुपए देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। एक डॉक्टर 5,000 रुपए की फीस लेता है, एक डॉक्टर 500 रुपए की भी फीस नहीं उसको कोई मिलती, ठीक है। तो ये नजरिया है, हर एनालिस्ट का अपना नजरिया है। आसमान में क्लाउड है, आप ऊपर मुंह करके खड़े हो जाओ, आप देखोगे आपको बत्तख नजर आएगी, वो देखेंगे उनको हाथी नजर आएगा, मैं देखूंगा मुझे कुछ और नजर आएगा, सब अपने अपना देखें। कैंडल दुनिया पढ़ रही है, कैंडल दुनिया पढ़ रही है, लेकिन केवल हिंदुस्तान में कैंडल नहीं पढ़ी जा रही, पूरा वर्ल्ड कैंडल पढ़ रहा है, और हर आदमी कैंडल को अपने निगाह से देख रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने पढ़ तो लिया, एप्लीकेशन नहीं आती है। कैंडल क्या बोल रही है वो नहीं पता, ठीक है। दूसरा, जब आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड आप जब ही करोगे जब आपको 100% कॉन्फिडेंस हो अपने ट्रेड के ऊपर। आधे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड तो करना ही नहीं है, आधे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड अगर किया तो क्या होगा, मास्टर स्ट्रोक लगना चाहिए कि बॉल सीधा बाउंड्री के पार, और अगर कॉन्फिडेंस कम हुआ तो बाउंड्री पर पकड़े जाओगे। आप कभी भी नोट करना, आप लोग बहुत लोग ट्रेड करते हो, जब भी आप घबरा के ट्रेड करोगे ना तो आपको घाटा होगा। आप करके देखना, मुझे नहीं पता, मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं अब, लेकिन मैं जानता हूं ना ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है। मैंने 25 साल ट्रेडिंग ही करी है, मैं एक हार्ड कोर ट्रेडर हूं। तो जब भी आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हो तो आपको अपने आप प्रॉफिट आता है, क्यों आता है वो मुझे भी नहीं पता,
प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक हमारे हमारे गुरु ही थे, हमारे जहां पर मैं शुरू में काम करता था, वो ये कहते थे कि प्रैक्टिस के दौरान बहाया हुआ पसीना जंग में लहू को बचाता है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है और प्रैक्टिस के दौरान आपने आपने अपना पसीना बहाया है, तो जब आप स्टॉक मार्केट में एक्चुअल ट्रेड करोगे, सही ढंग से ट्रेड करोगे, तो आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, अगर आपने प्रैक्टिस करी है सही ढंग से।